हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। एमनियोटिक फ्लूइड वो तरल पदार्थ होता है जो प्रेगनेंसी में बच्चेदानी के अंदर में बच्चे की थैली, जिसे हम बोलते हैं एमनियोटिक सैक, उसमें रहता है और इसके अंदर में फिर बच्चा फ्लोट करता है। अगर हम इसे साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो बच्चेदानी है, बच्चेदानी के अंदर एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे को हमने पानी से भरा हुआ है और उस भरे हुए गुब्बारे के अंदर में अब बच्चा रह रहा है। तो इस फ्लूइड का आखिर क्या काम रहता है? जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी जैसे जैसे एडवांस होती है, बच्चेदानी बढ़ती है और इसके साथ साथ में बच्चा भी बढ़ता है। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये कुशन के जैसे काम करता है। ये बाहरी कंप्रेशन यानी कि बाहरी प्रेशर से बच्चे को बचा करके रखता है और एक स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें बच्चा फ्रीली ग्रो कर सके बिना किसी प्रेशर के, और साथ ही साथ में उसे एक ऐसी जगह मिल सके जिसके अंदर में वो मूवमेंट भी कर सकता है। आपने देखा ही होगा कि अगर हम गुब्बारे को पानी से भर लेते हैं और उसके अंदर में अगर हम कोई भी चीज डालते हैं, तो अगर आप गुब्बारे को एक तरफ से प्रेशर देते हैं तो वो चीज जो है अंदर के पानी की मूवमेंट की वजह से दूसरी तरफ आ जाती है। दूसरी तरफ से अगर प्रेशर पड़ता है तो वो चीज मूव होकर के दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ सकती है। अगर हम ये चाहें कि भरे हुए पानी के गुब्बारे के अंदर की जो चीज है हम उसे कंप्रेस कर सके, उसे निचोड़ सके, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अंदर पानी का प्रेशर जो है उसे कुशन इफेक्ट दे करके रखता है, उसे बचाव करके रखता है। और अगर हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं उस चीज को पिचकाने की तो गुब्बारा फूट जाता है। तो कुछ इसी तरीके का काम एमनियोटिक फ्लूइड अंदर में करता है। वो बच्चे को प्रोटेक्शन देता है अंदर के टेम्परेचर को, जो कि हमें 37 डिग्री का मेंटेन करके रखना रहता है, उसे मेंटेन करके रखता है ताकि बाहरी टेम्परेचर चेंज की वजह से या मदर के बॉडी टेम्परेचर चेंज की वजह से तुरंत के तुरंत अंदर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो, जो कि बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देता है जिसमें बच्चा आराम से ग्रो कर सकता है और मूव कर सकता है। इसके अलावा ये जो थैली है और इसके अंदर का पानी है, ये बच्चे को इन्फेक्शन से भी बचाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चेदानी का मुंह जो है वो खुला हुआ रहता है और वजाइना जो है वहां पे भी कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं। नॉर्मली ये अंदर आना जाना ये ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं, और वजाइना में भी अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो वह आराम से बच्चेदानी के अंदर में जा सकता है। लेकिन अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड रहता है तो ये बाहरी इन्फेक्शन को अंदर आने से रोकता है और फिर बच्चे को उन इन्फेक्शन से बचाता है। कभी कभी एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल से कम हो जाता है। अगर ये कम होता है तो हम इसे बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियोस, और कभी कभी ये नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो हम इसे बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोस। तो आखिर कैसे पता चलता है कि जो फ्लूइड है ये नॉर्मल है, कम है या ज्यादा है? तो उसके लिए होता है अल्ट्रासोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हम लोग AFI, जिसे हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, इसे कैलकुलेट करते हैं और इसकी जो वैल्यू आती है उसको जान करके ये तय किया जाता है कि फ्लूइड नॉर्मल है या उससे कम या ज्यादा तो नहीं है। अगर AFI 8 से 18 और कुछ लोग 5 से 15 का भी मेजरमेंट्स को मानते हैं, अगर इतना है तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। अगर वो 8 से कम है तो उसे हम बोलते हैं कि ये पानी कम हो रहा है। अगर वो 18 से ज्यादा है तो उसे हम बोल रहे हैं कि पानी ज्यादा हो रहा है। ये फ्लूइड जो है आखिर बनता कहाँ से आता है? अगर हम मोटा मोटा इसे समझना चाहें तो 75% यानी कि 2/3 कॉन्ट्रीब्यूशन इस फ्लूइड में जो है वो बच्चे का होता है, और 1/3 यानी कि 25% कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें जो है वो मदर का होता है। बच्चे का जो यूरिन है, जो पेशाब है, वो किडनीज के थ्रू और जैसे उसके ब्लड को फिल्टर करता है और बाहर निकलता है, तो वो कहाँ जाएगा? तो ज्यादातर जो वॉल्यूम है एमनियोटिक फ्लूइड में ये बच्चे के यूरिन का ही होता है। इसके अलावा जो बच्चे की स्किन होती है वहां से भी कुछ फ्लूइड जो है बाहर, जैसे हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है ऐसे ही बच्चे की स्किन से भी कुछ फ्लूइड बाहर निकलता है, जिसे हम आम भाषा में समझना चाहे तो शायद पसीना भी आप बोल सकते हैं, वो भी इसे कंट्रीब्यूट करता है। और इसके अलावा बच्चा यही फ्लूइड जो है सोलो यानी कि निगलता है और फिर यूरिन बनकर के यही फ्लूइड भी बाहर आता है। मदर की तरफ से जब प्लेसेंटा से ब्लड फिल्टर होकर के बच्चे की तरफ पहुंचता है तो इस फिल्टरेशन प्रोसेस के दौरान कुछ फ्लूइड जो है बाहर निकलता है और ये एमनियोटिक फ्लूइड को कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम बच्चे या माँ की तरफ में आ रही है तो
इस सिस्टम के गड़बड़ाने की वजह से हो सकता है कि पानी नॉर्मल से कम या ज़्यादा हो जाए। तो इसके लिए हमें फिर टेस्ट करने पड़ते हैं जानने के लिए, और इसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेना पड़ता है। तो आज तो हमने ये जाना कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, इसका क्या रोल होता है, किसे हम नॉर्मल बोलते हैं, किसे अबनॉर्मल बोलते हैं। हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे कि कम फ्लूइड होने का और ज़्यादा फ्लूइड होने के क्या वजह रहती हैं और इसे हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हों इस टॉपिक से संबंधित, या किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम लोग वीडियोस बनाएं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करिए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।